तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि आज है। देश आज आयरन लेडी इंदिरा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत रत्न इंदिरा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, देश की एकता अखंडता बरकरार रखने में उनका अतुलनीय योगदान। उन्होंने इस महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर उनके कार्यकाल में भारत की सेना ने ऐतिहासिक शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पराजित किया, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा जी ने देश को हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर किया। वे सदैव गरीबों की हितेशी रही, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये तमाम अहम बातें कही गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, क्योंकि आज उन्होंने भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो वही जानकारी आपको दे दें, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की एकता अखंडता बरकरार रखने में उनका अतुलनीय योगदान है। उन्होंने इस महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उनके कार्यकाल में भारत की सेना ने ऐतिहासिक शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पराजित किया, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा जी ने देश को हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर किया। वे सदैव गरीबों की हितेशी रही, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत। गुजरात चुनाव की सियासत के बीच कल राजस्थान में मोदी मेवाड़ वागड़ में जड़े जमाने में जुटी है बीजेपी। पीएम मोदी कल आ रहे हैं मानगढ़ धाम, मानगढ़ को दे सकते हैं राष्ट्रीय स्मारक की सौगात। मोदी का दौरा मजबूत कर सकता है वागड़ मेवाड़ में कमल को। बीते कई सालों में संघ बीजेपी ने यहाँ मजबूत जमीन की है तैयार, अब आदिवासी दलों से यहाँ खतरा पैदा हो रहा है। अलग भील प्रदेश की मांग उठ रही है। कई बार संघ प्रमुख मोहन भागवत के यहाँ कई प्रवास हो चुके हैं। कुछ महीनों पहले राहुल गांधी ने भी बेणेश्वर में सभा की। कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर किया। सीएम गहलोत भी कल जा रहे हैं मानगढ़। पीएम मोदी से मुलाकात और ERCP का मुद्दा उठ सकता है। तो पीएम मोदी के दौरे के दौरान हम देख रहे हैं जहां एक और बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासी समाज को साधा जाए और एक बड़ा सियासी संदेश यहां से गुजरात चुनाव को भी मिले। तो गुजरात चुनाव की सियासत के बीच कल राजस्थान में पीएम मोदी होंगे। मेवाड़ वागड़ में जड़े जमाने की उनकी कोशिश रहेगी, बीजेपी की कोशिश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मानगढ़ धाम आ रहे हैं। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक की सौगात वो दे सकते हैं। मोदी का दौरा मजबूत कर सकता है वागड़ मेवाड़ में कमल को। बीते कई सालों में संघ बीजेपी ने यहाँ मजबूत जमीन तैयार की है, अब आदिवासी दलों से यहाँ खतरा पैदा हो रहा है। अलग भील प्रदेश की मांग उठ रही है। कई बार संघ प्रमुख मोहन भागवत के यहाँ कई प्रवास हो चुके हैं। कुछ महीनों पहले राहुल गांधी ने भी बेणेश्वर में सभा की। कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर किया। सीएम गहलोत भी कल मानगढ़ जा रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात, ERCP का मुद्दा उठ सकता है। जैसलमेर की फलसूण से बड़ी खबर है, विवाहिता ने 6 साल की बेटी के साथ आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। सूचना पर फलसूण पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों की मौजूदगी में कराया जाएगा पोस्टमार्टम। मृतक लक्ष्मी 30 वर्ष और 6 वर्ष की थी। गुंजन फलसूण थाना क्षेत्र के धर्मासर गाँव की पूरी। तो जैसलमेर की फलसूण से एक खबर है, विवाहिता ने 6 साल की बेटी के साथ आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। सूचना पर फलसूण पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों की मौजूदगी में कराया जाएगा पोस्टमार्टम। मृतक लक्ष्मी 30 वर्ष व 6 वर्ष की थी। गुंजन फलसूण थाना क्षेत्र के धर्मासर गांव की पूरी घटना है। 6 साल की बेटी के साथ विवाहिता ने आत्महत्या की, अब इसके पीछे वजह क्या है, इसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नाथू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाथू सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? मैडम, ये जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। थानाधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि एक विवाहिता ने आत्महत्या की है अपने बच्चे के साथ में। अभी कारणों का खुलासा नहीं हुआ हो पाया है और पीर पक्ष को सूचना दी गई है और उसका शव को पोस्टमार्टम के लिए फलसूण CSE लाया गया है और कल उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी नाथू सिंह, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये पूरी घटना सामने आई, तो ऐसे में परिवारजनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? नहीं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस संबंध में, अब पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी अभी तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। अब बात करेंगे गहलोत की गैर मौजूदगी में लोग
उदास जो हो रहे हैं उसकी, तो गहलोत की गैर मौजूदगी में लोग उदास हो रहे हैं। अब जयपुर लौट आओ गहलोत, सब यही कह रहे हैं। उधर गहलोत का मन रम गया है गुजरात में। गहलोत ने 4 दिनों से संभाल रखी थी गुजरात कांग्रेस की कमान। पहले कभी इतने दिनों तक राजस्थान से बाहर नहीं गए थे गहलोत, इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग गहलोत को मिस कर रहे हैं। और अब फिर से आलाकमान की भी उम्मीदें गहलोत पर हैं। हर काम में गहलोत में ही दिखती है उन्हें आशा की किरण। ऐसे में दिल्ली से एक बार फिर गहलोत को मिला नया टास्क। खड़गे ने गहलोत को दिया मोरबी दुखांती का हैंडल करने का टास्क। आज मोरबी में गहलोत ने दिखाई पहल और सबसे पहले अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों की कुशलक्षेम पूछी। तो यहां पर सबसे पहले पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिखाई दी, वो एक और तो जहां पीड़ितों से मिले, घायलों से मिले मोरबी हादसे के, तो वहीं दूसरी ओर घटनास्थल पर भी पहुंचे, वहां का भी उन्होंने जायजा लिया। जो रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है लोगों की जिंदगियों को बचाने का जिन्होंने प्रयास किया, तो वहीं दूसरी ओर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसको लेकर के अपडेट उन्होंने लिया। तो अब जयपुर लौटाओ गहलोत ये राजस्थान वासी कह रहे हैं, क्योंकि गहलोत की गैर मौजूदगी में लोग उदास हो रहे हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। उधर गहलोत का मन गुजरात में रम गया है। गहलोत ने 4 दिनों से संभाल रखी थी गुजरात कांग्रेस की कमान। पहले कभी इतने दिनों तक राजस्थान से बाहर नहीं गए थे गहलोत, इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग गहलोत को मिस कर रहे हैं। और अब फिर से आलाकमान की भी उम्मीदें गहलोत पर हैं। हर काम में गहलोत में ही दिखती है उन्हें आशा की किरण। ऐसे में दिल्ली से एक बार फिर गहलोत को टास्क मिला है नया। खड़गे ने गहलोत को दिया मोरबी दुखांती का हैंडल करने का टास्क। आज मोरबी में गहलोत ने दिखाई पहल और सबसे पहले अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों की कुशलक्षेम पूछी। गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म से राजस्थान बना मॉडल स्टेट। राजस्थान अपनी अनूठी योजनाओं से देश में बना मॉडल स्टेट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना के अच्छे परिणाम आए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अस्पतालों में निशुल्क इलाज मिल रहा है। 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है। 38,18,000 परिवारों को सस्ती घरेलू, 7,85,000 किसानों को सस्ती बिजली। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में बिजली के लिए किसानों को अनुदान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पालनहार योजना, बालिकाओं को स्कूटी वितरण। विदेश में पढ़ाई के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 1,32,000 सरकारी नौकरियां। इंदिरा रसोई उड़ान योजना, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, टैबलेट वितरण समेत टेक्नोलॉजी से विकास की कई योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं। तो टेक्नोलॉजी से विकास की कई योजनाएं जो हैं वो प्रदेश में संचालित है। कोशिश और कवायद यही है मुख्यमंत्री की कि आम लोगों की सेवा हो सके, और सेवा ही कर्म है इस और सेवा ही धर्म है से राजस्थान मॉडल स्टेट बना है। राजस्थान अपनी अनूठी योजनाओं से देश में मॉडल स्टेट बना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिससे अस्पतालों में निशुल्क इलाज मिल पाया है। 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है। 38,18,000 परिवारों को सस्ती घरेलू और 7,85,000 किसानों को सस्ती बिजली मिली है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में बिजली के लिए किसानों को अनुदान मिला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पालनहार योजना, बालिकाओं को स्कूटी वितरण। विदेश में पढ़ाई के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 1,32,000 सरकारी नौकरियां। इंदिरा रसोई उड़ान योजना, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, टैबलेट वितरण समेत टेक्नोलॉजी से विकास की कई योजनाएं प्रदेश में संचालित। प्रदेश में बेहतर चिकित्सा को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। एसएमएस अस्पताल के बाद जयपुर में बनेगा एक और बड़ा ट्रॉमा सेंटर। जयपुरिया अस्पताल में 5,78,00,000 से बनेगा आधुनिक ट्रॉमा सेंटर। जयपुरिया ट्रॉमा सेंटर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की 24 घंटे मिलेगी सेवा। हादसों में घायल होने वाले लोगों को तुरंत इलाज मुहैया हो सकेगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के रोड सेफ्टी फंड से मिलेगी राशि। इमरजेंसी को तोड़कर 500 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा ट्रॉमा सेंटर। 20 बेड, ओटी में 2 टेबल, आईसीयू में 4 बेड, भर्ती होने से लेकर दवा, जांच और इलाज की आधुनिक सुविधा एक ही छत के नीचे सुलभ होगी। आरयूएचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने 4-5 माह में पूरा होने की जताई है उम्मीद। कहा ट्रोमा सेंटर के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, तो ऐसे में उम्मीद यही कि जल्द से जल्दी ये पूरा काम खत्म होगा और आम लोगों को सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। तो प्रदेश में बेहतर चिकित्सा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गहलोत सरकार गंभीर है। एसएमएस अस्पताल के बाद जयपुर में बनेगा एक और बड़ा ट्रॉमा सेंटर। जयपुरिया अस्पताल में 5,78,00,000 से बनेगा आधुनिक ट्रॉमा सेंटर। जयपुरिया ट्रॉमा सेंटर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की 24 घंटे मिलेगी सेवा।
हादसों में घायल होने वाले लोगों को तुरंत इलाज मुहैया हो सकेगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के रोड सेफ्टी फंड से ये राशि मिलेगी। इमरजेंसी को तोड़कर 500 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा ट्रोमा सेंटर। 20 बेड, ओटी में 2 टेबल, आईसीयू में 4 बेड, भर्ती होने से लेकर दवा, जांच और इलाज की आधुनिक सुविधा एक ही छत के नीचे सुलभ होगी। आरयूएचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने 4-5 माह में पूरा होने की जताई है उम्मीद, तो ही कहा कि ट्रोमा सेंटर के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। चिरंजीवी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की निर्धारित तिथि आज। आज रात तक रजिस्ट्रेशन तो 1 नवंबर 2022 से मिलने लगेगा फायदा। सरकारी निजी अस्पतालों में बीमा के जरिए फ्री ट्रीटमेंट का फायदा होगा। यदि समयावधि के बाद लाभार्थी कराते हैं योजना में रजिस्ट्रेशन, तो उन्हें योजना का फायदा लेने के लिए करना होगा लंबा इंतजार। ऐसे परिवारों को 1 फरवरी 2023 से मिलेगा चिरंजीवी योजना का फायदा। तो ऐसे परिवारों को फायदा मिलेगा जो चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराते, तो वही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की निर्धारित तिथि आज है। आज रात तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो 1 नवंबर 2022 से इसका फायदा मिलने लगेगा। सरकारी निजी अस्पतालों में बीमा के जरिए ही फ्री ट्रीटमेंट का फायदा मिलेगा। यदि समयावधि के बाद लाभार्थी कराते हैं योजना में रजिस्ट्रेशन, तो उन्हें योजना का फायदा लेने के लिए करना होगा लंबा इंतजार। ऐसे परिवारों को 1 फरवरी 2023 से मिलेगा चिरंजीवी योजना का फायदा। बांके बिहारी के शरण में मंत्री रमेश मीणा। मंत्री रमेश मीणा पहुंचे वृंदावन धाम। मंत्री मीणा ने बांके बिहारी के दर्शन की कर कामना की है। देश और प्रदेश की सुख शांति की कामना उन्होंने की है। ओगला आश्रम में आयोजित भागवत सप्ताह महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया है। तो बांके बिहारी के शरण में नजर आए मंत्री रमेश मीणा। मंत्री रमेश मीणा अब वृंदावन धाम पहुंचे। मंत्री मीणा ने बांके बिहारी के दर्शन कर कामना की। देश और प्रदेश की सुख शांति की कामना उन्होंने की। ओगला आश्रम में आयोजित भागवत सप्ताह महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया। प्रदेश के नव नियुक्त डीजीपी उमेश मिश्रा की अनूठी कार्यशैली। मिश्रा ने कभी घर पर सुरक्षा के लिए नहीं रखा गार्ड और गनमैन। कई साल से अपनी सुरक्षा और घर पर नहीं रखा कोई गार्ड। तो वहीं एसओजी में एडीजी रहते कुछ दिन एक पीएसओ रखा जरूर साथ, जबकि कई अफसर 5 से 15 पुलिस कर्मियों का रखते हैं लवाजमा। कई अफसरों को पोस्टिंग के साथ अपने स्टाफ को साथ रखने की आदत है। ऐसे में सरकारी संसाधनों के सदुपयोग को लेकर मिश्रा की ये बड़ी सीख है, जिससे हर कोई एक बड़ा संदेश ले सकता है। तो प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी उमेश मिश्रा की अनूठी कार्यशैली के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि मिश्रा ने कभी घर पर सुरक्षा के लिए गार्ड नहीं रखा और गनमैन नहीं रखा। कई साल से अपनी सुरक्षा और घर पर नहीं रखा कोई गार्ड। एसओजी में एडीजी रहते हुए कुछ दिन एक पीएसओ जरूर उन्होंने रखा था, जबकि कई अफसर 5 से 15 पुलिस कर्मियों का लवाजमा साथ रखते हैं। कई अफसरों को पोस्टिंग के साथ अपने स्टाफ को साथ रखने की आदत है। ऐसे में सरकारी संसाधनों के सदुपयोग को लेकर मिश्रा की ये बड़ी सीख। सरकारी कर्मी 31 दिसंबर तक भर सकेंगे मिसिंग आईपीआर। पूर्व के शेष वर्षों की आईपीआर दाखिल करना 31 दिसंबर तक किया मंजूर। शेष वर्षों के आईपीआर को अपलोड करने का प्रावधान राजकाज सॉफ्टवेयर में किया है। 2022 की आईपीआर के लिए राजकाज सॉफ्टवेयर में विंडो की ओपन। पूर्व वर्षों के आईपीआर पहले भरे जाएंगे हार्ड कॉपी में, फिर किए जाएंगे अपलोड, जिसकी गाइडलाइन पूर्व में जारी हो गई है। उच्च स्तर पर अनुमोदन के बाद जारी किया है यह आदेश। तो उच्च स्तर पर अनुमोदन के बाद यह आदेश जारी किया गया है कि सरकारी कर्मी 31 दिसंबर तक भर सकेंगे मिसिंग आईपीआर। पूर्व के शेष वर्षों की आईपीआर दाखिल करना 31 दिसंबर तक किया है मंजूर। शेष वर्षों को आईपीआर को अपलोड करने का प्रावधान है राजकाज सॉफ्टवेयर में किया है। 2022 की आईपीआर के लिए राजकाज सॉफ्टवेयर में विंडो की है ओपन। पूर्व वर्षों के आईपीआर पहले भरे जाएंगे हार्ड कॉपी में, फिर किए जाएंगे अपलोड, जिसकी गाइडलाइन पूर्व में जारी हो गई है। उच्च स्तर पर अनुमोदन के बाद जारी किए हैं आदेश। फोन नहीं उठाने वाले बिजली अभियंताओं का होगा डिकॉय। जेपीडीसी सर्किल में एसी बिमल माचीवाल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि रहेगी पहली प्राथमिकता। फील्ड अभियंता को हर हालत में उपभोक्ता के फोन का देना होगा रिस्पॉन्स। इसके लिए मुख्यालय स्तर से कराई जाएगी फील्ड अभियंताओं की मॉनिटरिंग। अलग अलग नंबर से फोन करके अभियंताओं की देखी जाएगी कार्यप्रणाली। इस दौरान फोन नहीं उठाने वाले अभियंताओं पर होगी सख्त कार्रवाई। तय समय पर नए कनेक्शन जारी करने के लिए सिस्टम को किया जाएगा पाबंद। फील्ड में किसी भी काम में ठेकेदार की निर्भरता को किया जाएगा कम। तो ये कोशिश और कवायद है और एक नया नवाचार भी आप कह सकते हैं, जिसके माध्यम से कोशिश रहेगी कि आम उपभोक्ताओं को पूरी सुविधा मिले, किसी तरीके की परेशानी उन्हें ना हो। तो वहीं फोन नहीं उठाने वाले बिजली अभियंताओं को यहाँ पर भारी मुसीबत भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि
उनका बड़ा डिकॉय होगा। जेपीडीसी सर्किल में एसी विमल माचवाल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में ये बात कही और कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि रहेगी पहली प्राथमिकता, फील्ड अभियंताओं को हर हालत में उपभोक्ता के फोन का जवाब देना होगा। इसके लिए मुख्यालय स्तर से कराई जाएगी फील्ड अभियंताओं की मॉनिटरिंग, अलग अलग नंबर से फोन करके अभियंताओं की देखी जाएगी कार्यप्रणाली। इस दौरान फोन नहीं उठाने वाले अभियंताओं पर होगी सख्त कार्रवाई। तय समय पर नए कनेक्शन जारी करने के लिए सिस्टम को किया जाएगा पाबंद। फिर में किसी भी काम में ठेकेदार की निर्भरता को कम किया जाएगा। 70 करोड़ की लागत से बनेगी नई आईसीडी, रांची को जोधपुर में बनाएगा नए इनलैंड कंटेनर डिपो। इस पर करीब 70 करोड़ रुपए की आएगी लागत। वैसे तो जोधपुर में निगम की पहले से ही आईसीडी संचालित है, लेकिन जगह की कमी को देखते हुए अब बड़ी आईसीडी का निर्माण करने की योजना है। रासिकों की राजस्थान में होगी ये सबसे बड़ी आईसीडी। जोधपुर के सालावास रेलवे स्टेशन के पास बनाई जाएगी ये आईसीडी। तो 70 करोड़ की लागत से बनेगी नई आईसीडी, रांची को जोधपुर में बनाएगा नए इनलैंड कंटेनर डिपो। इस पर करीब 70 करोड़ रुपए की आएगी लागत। वैसे तो जोधपुर में निगम की पहले से ही आईसीडी संचालित है, लेकिन जगह की कमी को देखते हुए अब बड़ी आईसीडी का निर्माण करने की योजना है। रांचीकों की राजस्थान में होगी ये सबसे बड़ी आईसीडी। जोधपुर के सालावास रेलवे स्टेशन के पास बनाई जाएगी ये आईसीडी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 की तैयारियां परवान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झंडारोहण कर करेंगे मेले का शुभारंभ। बिना पशुओं के कल होगा विश्व विख्यात पुष्कर मेले का आगाज, लेकिन इस बार तीर्थराज पुष्कर में भरने वाला मेला होगा खास। अयोध्या की तर्ज पर ब्रह्म सरोवर, पुष्कर पर होगा भव्य दीपदान। 125,000 दीपकों की रोशनी से जगमग होगा पवित्र सरोवर। मेले में देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार होगी तीर्थ नगरी पुष्कर। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे पुष्कर वासियों को भी बड़ी सौगात। ब्रह्मा मंदिर, एंट्री प्लाजा और रैंप का भी करेंगे लोकार्पण। मेले में सैलानियों के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था का भी करेंगे श्री गणेश। लेकिन बिना पशुओं के पुष्कर मेले में पशुपालकों में खासी मायूसी है, क्योंकि पुष्कर मेला जहां पशुओं के लिए भी जाना जाता है, पर इस बार लंपी संक्रमण की वजह से पुष्कर मेले में पशुओं की एंट्री नहीं है। तो ऐसे में एक और थोड़ी उदासी भी है, पर आयोजन भव्य तौर पर होगा तो ऐसे में खुशी भी सभी जाहिर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे इसके आगाज के लिए। अब बात करेंगे वेडिंग बेल्स की। डेस्टिनेशनल वेडिंग के लिए राजस्थान पहली पसंद है। भव्य वास्तुकला, स्वादिष्ट पकवान, शाही पोशाकें, बेजोड़ आतिथ्य और विरासत स्थलों की मौजूदगी ने बनाया है इसे पसंदीदा स्थल। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और गोवा जैसे शहरों से यहां पहुंच रहे हैं लोग। नवंबर में राजस्थान में करीब 1.5 लाख शादियों का अनुमान है। पिछले साल कोरोना के चलते नवंबर में हुई थी करीब 40,000 शादियां। इस बार शादी के कारोबार में लगे लोगों को फुर्सत नहीं है। 4 नवंबर देवउठनी एकादशी से शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। 5 महीने पहले से ही बुक हो चुके हैं ज्यादातर मैरिज हॉल। नवरात्रि से शुरू हो गई शादियों के लिए खरीदारी, तो वही साड़ियों की बिक्री में इस बार 50% की बढ़ोतरी है। तो ऐसे में खुशी का इजहार सभी वो वर्कर्स कर रहे हैं जो शादी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 5वें और 6वें वेतनमान वाले राज्य कर्मियों का बड़ा है डीए। सीए के अनुमोदन के बाद आज वित्त विभाग ने जारी किए हैं आदेश, जो है 5वें और 6वें वेतनमान वाले सरकारी कर्मी और जो है वर्क चार्ज कर्मी, उन्हें 1 जुलाई 2022 से मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ। 5वें वेतनमान वाले कर्मियों का डीए बढ़ा है 15%। 381% के स्थान पर 396% की दर से होगा महंगाई भत्ता दर। 6वें वेतनमान वाले कर्मियों का डीए बढ़ा है 9%। 203% के स्थान पर 212% की दर से होगा उन्हें महंगाई भत्ता दे। तो वहीं बात करें 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक की राशि जीपीएफ में होगी जमा, जबकि नकद भुगतान होगा अक्टूबर के नवंबर में देय वेतन से।